द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू अ क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल इन विच वी आर यूजिंग टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। सो यू विल ऑब्जर्व टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। वन इज़ मास टू मास रिलेशनशिप एंड द सेकेंड वन विल बी मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आज जो न्यूमेरिकल है आपके पास, ठीक है, इसमें हम दो तरह के रिलेशनशिप्स को स्टडी करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे वो आप देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोजन साइनाइड इज़ प्रिपेयर फ्रॉम अमोनिया, एयर एंड नेचुरल गैस। यानी जो आपके पास ये कंपाउंड बन रहा है हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ये किस तरह से बन रहा है, या इन तीन कंपाउंड्स के रिएक्शन से बन रहा है, अमोनिया, एयर यानी कि ऑक्सीजन एंड द नेचुरल गैस मीथेन। अब जब इनका रिएक्शन होता है तो आपके पास प्रोडक्ट बनती है वाटर एंड हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप जो हैं ये बताएं कि अगर आप 51 ग्राम अमोनिया का लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा HCN कितना बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मास फाइंड करना है। तो ये जो रिलेशनशिप होगा, आपको मास गिवन है और उससे आपने एक मास ही निकालना है प्रोडक्ट का। तो ये रिलेशनशिप कहलाएगा मास टू मास रिलेशनशिप। द अदर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट इज अज्यूमिंग द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। ओके, फाइंड ऑल्सो द वॉल्यूम्स ऑफ O2 एंड CH4 गैसेज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन एट STP। तो यहाँ पे दो आपको रिएक्टेंट की वॉल्यूम्स भी फाइंड करने हैं कि अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस हो तो कितना ऑक्सीजन, ठीक है, कितना आपको नेचुरल गैस या मीथेन गैस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये क्योंकि आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन, अगर हम डेटा की बात करते हैं तो जस्ट यू हैव दिस इंफॉर्मेशन दैट इज़ 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो आप एक मास से क्योंकि स्टार्ट करेंगे और मास से वॉल्यूम पर जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एंड द अदर वन इज़ मीथेन। ठीक है, तो क्योंकि आप वॉल्यूम मास से कर रहे हैं तो हम इस रिलेशनशिप को मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप कहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डेटा में आपके पास क्या है, एक मास ही है, मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, और व्हाट यू हैव टू फाइंड HCN का मास एंड VO2 मीन्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, VCH4, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CH4। तो मास से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, मास टू मास रिलेशनशिप से। अच्छा जी, आई एम गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ अमोनिया कितना है, 2 moles यूज़ हो रहा है, ठीक है, एंड 2 mole ही HCN के बन रहे हैं। ठीक है, तो मोल रेशो हमेशा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ही होगा, वो आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे आप कितना भी अमाउंट लो, चाहे आप 1 gram ले रहे हो या 51 gram ले रहे हो, ठीक है, मोल रेशो जो इक्वेशन का है दैट विल बी द सेम। तो यहाँ पे 2 moles ऑफ अमोनिया, ठीक है, अगर मैं सिर्फ अमोनिया की बात करती हूँ तो अमोनिया का मास मेरे पास कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन आपको पता है 14 होता है, ठीक है, प्लस 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, 14, 15, 16, 17 ग्राम, यानी कि 17 ग्राम मोलिकुलर मास है, 1 mole का मास है अमोनिया का, लेकिन हमारे पास है 2 अमोनिया। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, और ये इसका डबल लेंगे, ठीक है, 34 ग्राम। यानी कि यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन अमोनिया यूज़ हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, 34 ग्राम। ठीक है, अब 34 ग्राम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ही देखें कितना HCN प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास HCN भी कितना है, 2 HCN, ठीक है, 2 moles ऑफ HCN, हाइड्रोजन 1 होता है, कार्बन आपके पास 12 होता है, नाइट्रोजन 14 होता है। तो सबसे पहले तो इन मासेस को आप प्लस कर लें, यानी कि इसका वेट निकाल लें, ठीक है, और फिर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 2 moles का मास आ जाएगा। ठीक है, तो 14 + 13, ठीक है, दैट्स 27 मल्टीप्लाई बाई 2, 54 ग्राम। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये कितना ग्राम है और ये कितना ग्राम है। ठीक है, अब आप ये देखें कि आपके पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग 34 ग्राम अमोनिया का यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन आपके डेटा के मुताबिक आपने यूज़ करना है 51 ग्राम, यानी उससे बढ़ा देना है। तो जब आप उससे बढ़ाएंगे तो आपके पास ये कितना बनेगा, आपको ये फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हुए क्या कहेंगे कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूसेस
यानी कि बनाता है HCN इज इक्वल टू, ठीक है, कितना HCN देता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, 34 ग्राम देता है आपके पास 54 ग्राम ऑफ HCN, ओके. नाउ यू आर हैविंग 51 ग्राम अमोनिया, तो 51 ग्राम ऑफ अमोनिया विल प्रोड्यूस और प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 54, ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 34 से, और जिस पे हमें फाइंड आउट करना है उस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 51 ग्राम, ठीक है. सो 54 डिवाइडेड बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 51, दैट्स 81 ग्राम, ठीक है. तो आपके पास अगर अमोनिया 51 ग्राम हो तो कितना प्रोड्यूस होगा, 81 ग्राम HCN का प्रोड्यूस हो जाएगा. तो ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, जो हमने मास फाइंड आउट करना था HCN का. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ. नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है ऑक्सीजन का एंड CH4 का, ठीक है. तो वॉल्यूम के लिए जो रिलेशनशिप हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लगाते हैं वो क्या कहता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 DM³, ठीक है. अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम और मोल की बात हो रही है और हमारे पास मोल्स मौजूद नहीं है, हमें क्या गिवन था, हमें इसका ग्राम यानी कि मास गिवन है. तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इस ग्राम को कन्वर्ट कर देंगे मोल्स के अंदर, ठीक है. तो मोल का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए मास अपॉन मोलर मास, आप क्या करेंगे, मैं यहाँ अमोनिया मेंशन कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास अमोनिया का ही डेटा था, तो अमोनिया की ही हम लेके चलेंगे, उसके ही सबसे पहले मोल्स फाइंड करेंगे. मास कितना गिवन है, 51 ग्राम, ठीक है. मोलिकुलर मास कितना होता है, 17. आप इसको डिवाइड कर लें, 51 डिवाइडेड बाय 17, 3 मोल्स, ठीक है. सो नाउ यू हैव 3 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है. अब हम यहाँ पे मोल रेशियो ले लेते हैं अमोनिया और ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम चाहिए, CH4 का भी, लेकिन हम स्टेप वाइज चलेंगे, पहले ऑक्सीजन फाइंड कर लेते हैं फिर इसका फाइंड कर लेंगे. अमोनिया का मोल अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कितना है, 2 मोल्स, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे आपने इक्वेशन वाला लिखना है. ऑक्सीजन का कितना है, 2 के साथ हमेशा 3 मोल ऐड करेगा, ठीक है. तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे, लेकिन आपने कितने मोल अमोनिया के लिए, 51 ग्राम के अकॉर्डिंग 3 मोल, ठीक है. तो ये इसके अकॉर्डिंग कितना ऑक्सीजन इसके साथ रैक करना चाहिए, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3. मोल्स, ठीक है. नाउ यू आर हैविंग द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन and now you can convert these mole into the volume, ठीक है, applying the same relationship I have written above. एक mole 22.4 DM के बराबर होता है, ठीक है. तो आपके पास कितने हैं, 4.5 mole हैं, ये कितने DM³ के बराबर होंगे. सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4, ठीक है. सो द आंसर इज 100.8 DM³, ठीक है. तो ये क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100.8 DM³. यानी अगर आप यहाँ पे अमोनिया 51 ग्राम लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑक्सीजन जो इसके साथ रैक करेगा वो कितना होना चाहिए, 100.8 DM³ होना चाहिए. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो डन. अब हमारे पास लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा रह गया है, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मिथेन गैस, कि मिथेन गैस जो है उसका वॉल्यूम कितना यूटिलाइज होगा अगर आप अमोनिया 51 ग्राम ले रहे हैं, यानी कि आप अगर अमोनिया 3 मोल ले रहे हैं, ठीक है. तो मैं इसको रब कर देती हूँ, इस पार्ट को. यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं अपना मीथेन का पार्ट. अमोनिया
ठीक है, वर्सेस मीथेन। अगर आप इक्वेशन में देखते हैं, अगेन टू इसके हैं और टू ही इसके हैं, तो यानी जितने मोल इसके होंगे उतने ही मोल इसके होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेशियो। तो इसके मोल आपके पास कितने हैं? थ्री। ठीक है, तो ये भी कितना मोल प्रोड्यूस होगा? थ्री मोल। तो यूँ आपको फाइंड आउट ईजीली हो गया, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप लगा के 1 मोल 22.4 डीएम क्यूब के बराबर होता है। तो 3 मोल कितना होगा? सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यू आर हैव 67.2 डीएम क्यूब। तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ CH4। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन कि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने सबसे पहले फाइंड आउट कर लिया मास, मास टू मास रिलेशनशिप लगा के, किसका मास? HCN का मास। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने ऑक्सीजन के जो मोल रेशियो थे उसकी हेल्प से उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, कितना वॉल्यूम आया? 100.8। एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव वॉज कि आपने CH4 कितना यूटिलाइज हो रहा है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वो भी आपने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन वॉज क्वाइट ईजी, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी परफेक्शन इसमें हो जाएगी, आपको मज़ीद आसान लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।